हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि दोस्तों आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों इसमें पूछा गया है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, या उत्तल लेंस होता है, या प्रिज्म होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी विकृति त्रिज्या होगी। इसमें पूछा गया है दोस्तों, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी विकृति त्रिज्या होगी। ऑप्शन दिए गए इसमें चार, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, दोस्तों इसमें पूछा गया है निर्गत किरण अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं दोस्तों, इसमें पूछा गया है। इसमें आपतन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्गत कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, इसमें दोस्तों पूछा गया है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं दोस्तों चार, अवतल दर्पण में, या अवतल दर्पण में, या अवतल लेंस में, या अवतल लेंस में। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसके कमेंट में हमें जरूर लिखकर बताएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तल लेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब तनता है, इसमें दोस्तों पूछा गया है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब तनता है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों चार, उत्तल, अवतल, बाईफोकल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, इसमें दोस्तों पूछा गया है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, परावर्तन कोण बराबर अपावर्तन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट भी कर लीजिए, कॉपी को साथ में लेकर बैठिएगा और इसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसमें पूछा गया काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, मतलब इसमें पूछा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा होता है। इसमें ऑप्शन दिए गए चार, सीधा होता है, उल्टा होता है, या दोनों होते हैं, सीधा उल्टा दोनों होते हैं, या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेंस में मुख फोकस की संख्या कितनी होती है, इसमें दोस्तों पूछा गया लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है लेंस में मुख फोकस की संख्या, मुख फोकस की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए गए हैं चार, दो, एक, तीन, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, इसमें दोस्तों पूछा गया है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। इसमें ऑप्शन दिए हैं दोस्तों चार, उत्तल, अवतल, समतल, या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताते रहें दोस्तों आंसर, ऑप्शन बी, अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, इसमें दोस्तों पूछा गया है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और ये तो सभी को मालूम होगा दोस्तों। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं चार, समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है क्या होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
कमेंट में लिखकर हमारा इसका आंसर जरूर बताएं और आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लस 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस से संबंध हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ए दोनों अवतल, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश के दोस्तों प्रकाश के अपावर्तन के कितने नियम हैं। इसमें दोस्तों पूछा गया है प्रकाश के अपावर्तन के कितने नियम हैं। दोस्तों बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और अधिकतर के मुझे पूछा जाता है हाई स्कूल में, इंटर में और अधिक कंपटीशन में आता रहता है, तो सभी को मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। इसमें दोस्तों पूछा गया है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइन आई अपॉन साइन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक उत्तल लेंस होता है, ये तो क्वेश्चन सभी को मालूम होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर जो कंपटीशन में भी पूछा जाता है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट आता ही रहता है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया एक उत्तल लेंस होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अवतल लेंस का अपवर्तन m बराबर होता है। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी अपॉन यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं विक्रेता त्रिज्या के बीच संबंध, इसमें दोस्तों पूछा गया है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं विक्रेता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए आर बराबर 2f। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। इसमें दोस्तों पूछा गया है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं चार, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का या उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। इसमें दोस्तों पूछा गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अधिकतर कंपटीशन में भी पूछा जाता है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में भी आता रहता है। इसमें पूछा गया उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। इसमें ऑप्शन दिए गए चार, बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों इसमें पूछा गया है उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए चार, बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बड़ा और वास्तविक।